वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ये मारवी मेमन साहिबा कुछ कहना चाहती हैं, लगता है कि पीपल्स पार्टी के हक में, तो कहिए। पीपल्स पार्टी के हक में खुदा ना खास्ता कभी नहीं हो सकती, लेकिन बात कुछ यूं है कि मीटिंग, नो एजेंडा फॉर मीटिंग विद जरदारी, सैज नवाज। ये तो कह चुके हैं खुली कचहरी है, खुली बातें करेंगे। एटलीस्ट फौजी जवाब ने ये तो कह दिया कि टेररिज्म पर डिस्कस करेंगे, मतलब पिन पॉइंट करें, डोंट किड विद द नेशन, बताएं किस चीज पर डिस्कस करेंगे ताकि उसी पर आपका सक्सेस और फेलियर डिटर्मिन हो। और जहां तक स्टोरी किसकी है और कितना वो मोहम्मद सालेह जफर की स्टोरी है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये गलत है, फिर सही है, फिर नवाज शरीफ साहब स्पोक्स पर्सन को ये फौरी तौर पे डिनाई करनी चाहिए कि कोई एजेंडा नहीं है। आप कुछ कहेंगे? डिनाई कीजिए। क्या मैंने आपको बताया है कि एजेंडा क्या है और ये मीटिंग क्यों हो रही है और ये अर्जेंसी जो है फ्रॉम द प्रेसिडेंट साइड, ये क्यों थी इस वक्त बुलाने की क्या जरूरत है? एजेंडा एज येट, बट द एनआरओ कुड नॉट बी सेंटर ऑफ द डिस्कशन। इसमें क्या मतलब है? कोर्ट में डाल? अच्छा, नहीं पूछ लेते ना पीएमएलएन के बैठे हुए, या एक तो खैर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते, लेकिन अयाज आप बताएं कि बहसियत पीएमएलएन के लीडर के, क्या आप चाहेंगे इस मीटिंग से निकले? देखिए, वी नीड मूवमेंट टुवर्ड्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस की हुई थी, यानी जो 17th अमेंडमेंट के बारे में वो कुछ हो। देखिए, जो सिस्टम है इस वक्त, कंफ्यूजन आदि क्यों है इस्लामाबाद में? आपके दो सेंटर्स ऑफ पावर हैं, प्रेसिडेंट चला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं। लेट्स मेक अप आवर माइंड्स कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना है या पार्लियामेंट्री सिस्टम होना है। आदि कंफ्यूजन जो गवर्नेंस की है, जो हुक्मरानी की है, वो इस चीज से है। इसलिए पीएमएलएन का जो स्टैंड है कि आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को सही मानों में रिस्टोर करें, इसलिए कि इस कॉन्ट्रडिक्शन, कंफ्यूजन और डायकोटमी को, इसको आप रिमूव करें। इसलिए जरूरी है कि जो इख्तियारात काफ लीग के महबूब सदर मुशरफ साहब ने 17वीं तरमीम मकबूल आम वो जो थी उसके जरिए जो तफवीज किए थे ईवान सदर में, उसको वापस पार्लियामेंट को दिया जाए। अब उस पर मूवमेंट होती है या नहीं, अगर मूवमेंट उसमें नहीं होती तो मेरे ख्याल पीएमएलएन कोई चीज देने की, को आप क्या किस तरह तशरीह करेंगे मूवमेंट की, फिर हम वड़ाई साहब के पास जाते हैं। व्हाट डू मीन बाय मूवमेंट? नहीं, कमेटी, कमेटी की रिपोर्ट आई हुई है सामने। नहीं नहीं, कौन सी? अभी वो कुछ उन्होंने बनाए हैं जो देखेंगे, वो बात नहीं है। जब प्रिंसिपल्स बात करते हैं वो डिटेल्स में नहीं जाते, आप ब्रॉड जो है, ब्रॉड असूल होते हैं, कौन से पावर्स हैं जो वापस जाने चाहिए। 58(2)(b) एकेडमिक इंटरेस्ट है, वो मेन चीज नहीं है। The appointment of service judges, chiefs and judges, जी, and judges, जो judges तो advice पे चले होती है, वो इतना commission नहीं है। कहा था बनाएंगे? The appointment of service chiefs कौन करेगा, ईवान सदर या प्राइम मिनिस्टर? That is the crux of the matter जो आज कल है। The problem of the moment is this। वराइट साहब, ये तो अयाज साहब ने कहा, आपने भी कहा कि आप लोग अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलते हैं, लेकिन कौम ये भी सुनना चाहती है कि देखें ना, एक पूरी आप बार बार सुन रहे हैं मुल्क हालत जंग में, ये दोनों लीडर मीटिंग के बाद निकल के एक जॉइंट स्टेटमेंट देंगे, उस पर कुछ कहेंगे, मतलब जाहिर है फौज कर रही है जो और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कर रही है, लेकिन लीडरशिप की तरफ से कोई एक यूनिफाइड यूनाइटेड पैगाम आए? अब पैगाम मीटिंग हो रही है ना आज, तो अब कल पैगाम आएगा, क्यों नहीं आएगा? वो मैं जो इधर मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है वो ठीक है, दिस इज द ओपन एजेंडा। नेशनल लीडरशिप मिली है, वहां टेररिज्म पे बात होगी, सिक्योरिटी पे होगी, बलूचिस्तान पे होगी, उसमें जो पार्लियामेंट में इश्यूज है उस पर भी होगी। ये जब आप कहते हैं ना बात होगी, बात होगी, क्यों नहीं होगी सर? बात से तसल्ली नहीं होती, मैं आपको बताऊं, जो ये बात कर रहे हैं कुछ निकलेगा उसमें से? हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मैंने पहले जैसे कहा कि ये मीटिंग होना ही सबसे अहमियत की बात है, उसके बाद नेशनल इश्यूज वहां डिस्कस होंगे। ये जो मैंने कहा है वो खाना खाने के लिए तो सिर्फ इकट्ठे नहीं होंगे, दोनों मुल्क के लीडर हैं, वो वहां नेशनल इश्यूज पे अपना अपना नुकता नजर बताएंगे, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेंगे और ये वार और टेरर पे जैसे दूसरे इश्यूज पे भी कॉन्फिडेंस में लिया जाता रहा है, वजीर आजम पाकिस्तान लेते रहे, ये चीजें डिस्कस होंगी। मुझे समझ नहीं आती कि पहले कौन सा ऐसा मसला है जिसको पहले एजेंडे के तौर पर दिया जाए। वो दोनों
मुल्क के रहनुमा है और दोनों इस पे तमाम इश्यूज को डिस्कस और दोनों से कौम इस वक्त जरा कुछ लगता है कि भाई आगे निकले और इंशाल्लाह निकलेंगे। मैं समझता हूं कि एक अच्छा स्टेप लिया जा रहा है और उससे पहले ही नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाए ये बड़ा अफसोस आपकी पार्टी लीडरशिप क्या करने के लिए तैयार है कॉन्क्रीटली क्या करने के लिए हम हर चीज पार्लियामेंट में लेके जाते हैं पार्लियामेंट में जो जो होगा हम करेंगे और जैसे कि हमारे भाई ने वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये वो नहीं हो रही भाई कमेटी बनी है पार्लियामेंट्री कमेटी बनी कमेटी तो कयामत तक नहीं कयामत तक नहीं बनती पार्लियामेंट का एक प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट का एक प्रोसीजर होता है ये ऐसे नहीं होता कि सुबह एक बात आप करें और कहें कि जी शाम तक पार्लियामेंट से हो जाए ऐसा नहीं होता उसका एक प्रोसीजर है उसकी स्टैंडिंग कमेटी है उसकी स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट मेरी बात सुन ले पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें पीएमएलएन की भी नुमाइंदगी है तमाम लोग वहां लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि आगे बात बढ़ क्यों नहीं रही नहीं बढ़ रही है उसमें बहुत सारे इश्यूज पे उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन बना ली है कुछ रह गई हैं उसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ लेके चलेंगे। मैं समझता हूं कि इस वक्त मामला जो है राइट डायरेक्शन की तरफ चल रही है जहां तक ये ग्रांट की बात कह रहे हैं जी एनआरओ के नतीजे में मीटिंग बुलाएगी आप शायद सही कह रहे हो देख लेंगे कुछ घंटों की बात है हम तो हर चीज पार्लियामेंट में ले गए हैं हमें तो कोई इतराज जहां तक एनआरओ है कोई ऐसी चीज नहीं है जो कायल कर सकती है नून लीग को कि इसको सपोर्ट करे। अच्छा आप कह रहे हैं किसी सूरत नहीं देखिए एक चीज होता है कि हो जाए एनआरओ हो गई थी इनके महबूब सदर ने वो पास की थी महबूब पार्टी के लीडर्स ने उसमें बड़े एक्टिव थे लेकिन इनके महबूब सदर थे जिन्होंने कौम को ये तोहफा दिया एनआरओ का और किसको दी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को दी 900 आपके तो भी ये थे उसमें। ये मसला तो इनके सिर्फ बीच उनका में नहीं था आपका भी था पीएमएलएन या कोई सियासी पार्टी एक चीज है कि हो जाना लेकिन उसको ऐलानिया उस गंध को अपने मुंह पे करना वो और चीज होती पार्लियामेंट करेगी पार्लियामेंट पे तोहमत आएगी उंगली उठेगी तनकीद होगी इसको नहीं करना आप कह रहे हैं कि किसी भी सूरत नून लीग किसी भी सूरत पार्लियामेंट में एनआरओ के हक में वोट नहीं देगी और वोट देगी उसके खिलाफ देखिए अगर नून लीग ने सियासी खुदकुशी की तरफ जाना है तो फिर वोट दे देगी और ये सुना जा रहा था कि वोट करेगी नहीं कि वोट देगी नहीं एब्सटेन करेगी देखिए वो जो पीपल्स पार्टी ने किया था जब इनके महबूब सदर अपनी वर्दी में मुंतखब हो रहे थे कि उन्होंने कहा जी हम एब्सटेन कर रहे हैं हमने वोट नहीं दिया तो ऐसी चलाकी जो है मेरे ख्याल कोई मानेगा अच्छा, मैंने बहुत विशी वाशी स्टेटमेंट सुन लिया अब मैं एजेंडा देती हूँ क्योंकि अब एजेंडा पे बात करते हैं कौम क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि क्या चीजें डिस्कस होके और आउटकम होना चाहिए कि टेररिज्म पे जो सिचुएशन है जो मुल्क में इस वक्त फेयर फैक्टर फैला हुआ है स्कूल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो बंद खोल बंद हो रहे हैं उस पे एक वाजे स्ट्रैटेजी के किस तरह से जैसे श्रीलंका ने 30 साल मैनेज किया था टेररिज्म किस तरह से सिविलियन पॉपुलेशन को एतमाद में लेके और ये जो है फेयर फैक्टर को निकाल के ये आगे चलेंगे और साउथ वजीरिस्तान के ऑपरेशन के बाद जो है किस तरह से और साउथ वजीरिस्तान के ऑपरेशन के दौरान किस तरह से डील करेंगे फेयर फैक्टर के साथ ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इस पे इनको वाजे स्ट्रैटेजी बताने की जरूरत सिर्फ डिस्कस करने की जरूरत नहीं। सेकेंड इशू ये है कि कैरी लूगर बिल चाहे उसमें कुछ क्लॉजेज हैं जो ब्लैक वाटर को और डायनाकोर और दूसरे सारे इंस्टीट्यूशंस को जो है ग्रीन सिग्नल देते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं कि ये आएंगे और ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हमारे नेशनल्स को आके जो है सिक्योर करेंगे ताकि वो सारे प्रोजेक्ट्स हो सकें उस पर भी बात करनी चाहिए कि इसके कितने लीथल जो है इसमें क्लॉजेस थे जिससे सॉवरेंटी डेफिनेटली इफेक्ट अगर ये समझते हैं कि एएलबी के खिलाफ है तो फिर ये सारी चीजें उस मीटिंग में डिस्कस होनी चाहिए और वाजे उसमें से कुछ निकलना चाहिए क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं है हम वापस केएलबी के ऊपर बात करना चाहेंगे। तीसरी बात ये कि एनआरओ अगर एनआरओ से ये दोनों पार्टीज जो हैं इन्होंने फायदा उठाया ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ने उठाया नून लीग ने भी उठाया एमक्यूएम ने भी उठाया तो फिर उस पर क्लियरली बता दिया जाए और अगर ये कह रहे हैं कि ये उसके हक में नहीं है और वोट देंगे उसके खिलाफ तो फिर पार्लियामेंट ले आए और जिन एक दफा फैसला कर लिया जाए
मेन इश्यूज जो है अभी तक आपके सामने नहीं आए, मेन इश्यूज पे पोजीशन कोई नहीं लेना चाह रहा, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा, क्योंकि वो फेलियर का जो मसला है ना वो सामने आ रहा है। और दूसरा जहां तक एनजीओज का ताल्लुक है, छठा जहां तक एनजीओज का ताल्लुक है, मैं सिर्फ ऑन अ सीरियस नोट, नॉट ऑन के ये आवाम की परसेप्शन है, अब मैं उसकी एक्चुअल फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। ये भी डिस्कस होना चाहिए कि कैसे आप अलाउ कर रहे हैं अमरीका को कि जो एनजीओज उसके अंदर आएंगे पैसे लेंगे, क्योंकि ये सारे पैसे आप तो आप इस एनजीओ पे जा रही है, इसका मतलब कि आप कह रहे हैं पैसा आ जाए? नहीं, मैं तो बिल्कुल, हम तो नहीं जा रहे कि इस क्लॉजेस के अंदर पैसा आए, लेकिन अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो $100,000 के अबव जो भी पैसे आएंगे किसी भी एनजीओ पे उस पर क्लासिफाइड होगा, उस पर ये लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। मीनिंग नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट, मीनिंग अमरीका अपनी स्टेट कि जो है एक लिटिल फीफडम्स बना रहे हैं इन एनजीओस के जरिए, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, इस पे भी डिस्कस किया जाए। इस पर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। मावी मेमन साहिबा ने एक बड़ा एजेंडा दिया है, इसके बाद हम ब्रेक के बाद पूछेंगे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से कि वो उस एजेंडे के बारे में क्या जवाब देंगे, इस ब्रेक के बाद।